यहाँ से पैदल चलेंगे। सो गाइस, तो हम धीरे धीरे अब वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दिगंबर भाई। सो फाइनली ये वाटरफॉल, तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल देवनाला का। और मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है। अचानक मुझे भी योगेश ने कॉल करके बुलाया, तो मैं बगैर नहाए ही यहाँ पर पहुँच गया हूँ। खैर, देवनाला जलप्रपात मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। यह वाटरफॉल मंडला डिंडोरी मुख्य मार्ग पर डिंडोरी मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूर सक्का के पास ग्राम कचनारी में स्थित है। देवनाला जलप्रपात में नाले का पानी एक पहाड़ी से नीचे बने शिवलिंग पर गिरता है। पानी के कटाव के कारण पहाड़ी वी शेप में दिखाई देती है। पानी गिरने के स्थान के पास की मिट्टी गलकर बह जाने से एक गहरी गुफा बन गई है। गुफा की ऊंचाई लगभग 9 फीट तक है। गुफा के पास के पत्थर बहुत कमज़ोर हैं, जो वर्षा ऋतु में कभी कभी नीचे भी गिरते हैं। बरसात में पानी भी गुफा के अंदर तक भर जाने से लोग गुफा के अंदर नहीं जा पाते। तो ये आप देख सकते हैं पीछे, हम आपको थोड़ा करीब में जा के दिखाएंगे जो वहाँ के गुफा है। तो अंदर वहाँ पे मंदिर भी बनाया गया है, तो उसको हम पास में जाके वीडियो बना के दिखाएंगे आपको। ये रहा, बिल्कुल करीब से आपको दिखा रहे हैं। देवनाला जलप्रपात तक जाने के लिए पहाड़ी से जाना पड़ता है, जो कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वाटरफॉल तक जाने के लिए। देवनाला वाटरफॉल बरसात और ठंडी में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है, परंतु गर्मी के दिनों में बहुत कम यहाँ का पानी हो जाता है। और देवनाला वाटरफॉल के पास कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं, यहाँ ग्रामीण पूजा पाठ करते हैं। प्रशासन द्वारा देवनाला वाटरफॉल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, जो कि और इसमें ग्रामीणों की भी अहम भूमिका है। यहाँ पर लोग आते हैं और जो उनका समय है यहाँ पर बिताते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आप भी अगर किसी दूसरे ज़िले से हैं या फिर डिंडोरी ज़िले से हैं, आपने कभी यहाँ पर विज़िट नहीं किया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए और यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद उठाएं। लगभग आप हाइट के बराबर ही है, बाकी वो उस तरफ थोड़ा टकरा है क्योंकि एक सेप की तरह काटा गया है, और काफ़ी सुंदर और बारीक तरीके से ये आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब क्या ही कहें, बहुत ही शानदार यहाँ पर कारीगरी इस प्रकार से देखने को मिलता है। क्योंकि ये पत्थर जो कटे हुए हैं ये काफ़ी साल पुराने होंगे, क्योंकि अभी अंदाजन बता नहीं सकता मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग इस जगह को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं, आप जो कमेंट में जरूर। ये रहा देवनाला का छोटा सा ट्रिप हमारा जो कि आज का, और देखते हैं अगले वीडियो कहाँ की होगी। अब अचानक ऐसे बगैर प्लानिंग के टूर पे निकल जाते हैं, तो अगर हमारा वीडियो और हमारे
पेज और यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हमारे इंस्टा पेज के साथ जुड़िए। और अपना माया दुलार इसने बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए कुछ नए नए वीडियो और डिंडोरी की नई नई खूबसूरत जगह को आपके सामने लाने का अवसर मिलता रहे। तो मैं सत्य प्रधान और आप देख रहे हैं डिंडोरी ट्रेंड। जोहार।